तो दोस्तों नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं मैं अपने इस YouTube चैनल में। आज मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि माइक्रो ATM पे नियर बाई का कैसे इंस्टॉल करें और कैसे लेन देन करें। तो यहां से डाउनलोड डिवाइस में जाके फंड डाउनलोड कर लेंगे, कुछ ही देर में डाउनलोड हो जाएगा ये। अगर आप अपने M ATM को अपने सिस्टम से कनेक्ट करना चाहते हो उसके लिए ये सेटिंग है जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। ये फ़ोन का ATM है, इसका ड्राइवर डाउनलोड कर रहा हूँ और इसमें हम आज देखने वाले हैं ट्रांजेक्शन करके। ये हो चुका है डाउनलोड, यहाँ से क्लिक करके रन कराना है। ये रन नहीं हो पा रहा है, मैं कल से ट्राई मार रहा हूँ। पे नियर बाई कंपनी को ध्यान देना चाहिए इन सब पे कि आखिर ये रन हो क्यों नहीं रहा है। ज़रूर इसके सॉफ्टवेयर में कोई दिक्कत हुआ, मेरे सिस्टम में तो कोई भी दिक्कत नहीं है क्योंकि मैंने कल ही फॉर्मेट किया है। ये अगर कोई सेटिंग हो तो उसको भी अपन देखते हैं। पोर्ट में यहाँ क्लिक करने के बाद हेल्प एंड सपोर्ट डाउनलोड मैनुअल, ये मैनुअल को पढ़ लो एक बार, समझ आ जाएगा आपको डिवाइस एंड पे नियर बाई। इसको आप पुश करके पढ़ लीजिएगा, मैंने कोशिश किया मुझसे तो नहीं हुआ, आप कोशिश करके देखिएगा। अगर आपसे हो जाए तो मुझे कमेंट में बताइएगा। इसमें लिखा हुआ सबसे नीचे में जो बहुत ही खास बात है, अमाउंट विल बी सेटल्ड टू यू एज पर द सेटलमेंट टर्म एंड कंडीशन। मतलब इनका कहना ये है कि आप अगर किसी कस्टमर का पैसा निकालते हो तो उसको आपके खाते में आने में टाइम लगेगा, और कितना टाइम लगेगा ये आपके टर्म एंड कंडीशन में लिखा होगा, इसका ये कहना है। ओवरऑल देखा जाए तो मैं संतुष्ट नहीं हूँ उसकी सर्विस से, क्योंकि बाकी सब MATM जितने भी कंपनियाँ कहें सेटल्ड इमिजिएटली हो जाता है कुछ ही सेकंडों में, पता नहीं ये इतना टाइम क्यों ले रहा है। ओवरऑल ये मेरा व्यू था, आप बताइए आपको क्या कहना है इस संबंध में। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये मेरा छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।